कांग्रेस पार्टी का चेहरा राहुल गांधी है, प्राइम मिनिस्टर का चेहरा जो है कांग्रेस पार्टी का वो राहुल गांधी है। राहुल गांधी रहेंगे, राहुल गांधी थे। 2024 में राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री कैंडिडेट के रूप में लाना चाहिए और उसके नेतृत्व में लड़ना चाहिए और हमें जीत हासिल हो। मुंबई में 31 अगस्त और 1 सितंबर को होने वाली विपक्षी गठबंधन इंडिया की महाबैठक में पहले ही खलबली मच गई है। राहुल गांधी, नीतीश कुमार या फिर कोई और, कौन होगा विपक्षी गठबंधन का संयोजक, ये बड़ा सवाल बन गया है। वहीं लोग पीएम उम्मीदवार के नाम को लेकर भी उत्सुक हैं। ये हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि सोमवार को नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन का संयोजक बनने से इनकार कर दिया। इससे एक दिन पहले भी उन्होंने यही बयान दिया था। एक तरफ जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लिए अशोक गहलोत और भूपेश बघेल पैरवी कर चुके हैं, तो वहीं दूसरी तरफ नीतीश के समर्थक भी उन्हें विपक्ष का चेहरा बनाने की मांग कर रहे हैं। हालांकि नीतीश ये बार बार कह रहे हैं कि उन्हें व्यक्तिगत कुछ नहीं चाहिए, वो बस विपक्ष को एकजुट करना चाहते हैं। लेकिन नीतीश के इस बयान के साथ ही ये माना जा रहा है कि नीतीश ये बुझे मन से कह रहे हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि उनके पीएम फेस बनने को लेकर लालू प्रसाद यादव पहले ही खेल खराब कर चुके हैं। शायद यही वजह है कि जो वो कह रहे हैं कि उन्हें कुछ नहीं चाहिए। क्या है ये पूरा मामला, बताएंगे इस रिपोर्ट में विस्तार से। नमस्कार, मैं हूँ कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज़ तक। एक तरफ जहां कांग्रेस ने राहुल गांधी के प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनने को लेकर माहौल बनाना शुरू कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ जनता दल यूनाइटेड की तरफ से भी पार्टी के दो वरिष्ठ नेता मंत्री श्रवण कुमार और जमा खान ने भी प्रधानमंत्री उम्मीदवार के लिए नीतीश कुमार का नाम आगे बढ़ाया है। चर्चा तो हर जगह नीतीश कुमार जी की हो रही है, चाहे बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे बंगाल हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे राजस्थान हो, सब जगह इनकी चर्चा होती रहती है कि ये प्रधानमंत्री के लायक हैं। इन बयानों से साफ है कि मुंबई में विपक्षी दलों की बैठक से पहले ही बवाल शुरू हो गया है। अब बैठक में संयोजक का नाम तय किया जाना जरूरी हो जाता है, जो पार्टियों के बीच बेहतर सामंजस्य बना सके। इसका बड़ा मतलब ये भी होता है कि चुनाव के दौरान संयोजक ही विपक्ष का प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनता। लेकिन लालू ने नीतीश कुमार के सारे सपनों पर यह बयान देकर पानी फेर दिया कि मुंबई की बैठक में एक नहीं बल्कि 3-4 राज्यों को मिलकर 3 या 4 अलग अलग संयोजक बनाए जाने चाहिए, जो स्थानीय नेताओं के साथ बातचीत कर सके। इससे पहले लालू राहुल को दूल्हा और खुद को बाराती बनने की बात कहकर कहीं ना कहीं इस बात का इशारा दे चुके हैं कि पीएम कैंडिडेट के लिए वो राहुल को पसंद करते हैं। शादी कर लेना चाहिए था और अभी भी समय गया बीतता नहीं है, शादी करिए और हम लोग बाराती चले। अब ऐसे में नीतीश कुमार को एहसास हो गया कि मुंबई की बैठक में जब कई संयोजक का नाम तय किया जाएगा तो उन्हें भी कई संयोजकों में से एक संयोजक बनाया जाएगा। आखिर इसे क्या माना जाए कि लालू प्रसाद ने कांग्रेस के साथ मिलकर अपने मास्टर स्ट्रोक बयान से नीतीश कुमार की राजनीति को एक किनारे लगा दिया और उनके प्रधानमंत्री बनने के सपने को भी तोड़ दिया। तो वहीं नीतीश कुमार के अब संयोजक नहीं बनने के बयान को लेकर बीजेपी उन पर निशाना साध रही है। बीजेपी से राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि लालू ने राहुल गांधी को दूल्हा घोषित करके नीतीश कुमार का संयोजक बनने का सपना तोड़ दिया है और अब नीतीश कुमार की बैठक में संयोजक पद की दावेदारी भी वो नहीं कर सकते हैं। नीतीश जी का सपना चकनाचूर हो गया, अब तो राहुल गांधी उम्मीदवार होंगे ये एक प्रकार से तय हो चुका है। तो चाहे ममता बनर्जी हों, अरविंद केजरीवाल हों या नीतीश कुमार हों, उनके समर्थक जो सपना देख रहे थे दावेदारी करने का, तो प्रधानमंत्री बनना तो दूर की बात, उनकी जो दावेदारी है उस पर भी क्वेश्चन मार्क लग गया। दरअसल माना यह भी जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर देने के लिए इंडिया गठबंधन केवल एक चेहरे को मोदी के खिलाफ सामने रखकर चुनाव नहीं लड़ना चाहती। सूत्रों के मुताबिक विपक्ष चाहता है कि अलग अलग चेहरों के साथ वह 2024 के लोकसभा चुनाव की लड़ाई लड़े और फिर जब संख्या बल मजबूत होता दिखे तो प्रधानमंत्री फेस को लेकर खुलासा किया जाए।
बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनावों में सत्तारूढ़ बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए से मुकाबला करने के लिए 26 पार्टियों ने इंडिया गठबंधन बनाया है और अब दावा किया जा रहा है कि इस विपक्षी गठबंधन में मुंबई में 4 और दल शामिल होने वाले हैं। हालांकि विपक्ष ने अभी तक पीएम मोदी का मुकाबला करने वाले चेहरे को सामने नहीं उतारा है, लेकिन कांग्रेस लगातार ये बात कह रही है कि उनकी तरफ से राहुल गांधी ही पीएम फेस होंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि एनडीए का मुकाबला करने के लिए विपक्षी गठबंधन कितना कामयाब हो पाता है। लेकिन इससे पहले मुंबई में होने वाली बैठक में विपक्ष की क्या रणनीति निकल कर आती है, ये देखने वाली बात होगी जिस पर सबकी निगाहें टिकी रहेंगी। इस पूरी खबर से जुड़ी अपडेट हम आपको लगातार देते रहेंगे। बाकी आप देश और विदेश से जुड़ी अपडेट जानने के लिए न्यूज तक देखना बिल्कुल ना भूलें।